जय जिनेंद्र, भूख के पेट भजन ना हो। आइए चलते हैं रसोई घर में, देखते हैं क्या बनने वाला है। हम बना रहे हैं आम के छिलके की सब्जी। तो देखिए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। हमें चाहिए ये आम के सूखे हुए छिलके, जिन्हें हमें सुखाया था। देखिए, ये ना अच्छी तेज़ धूप में सूखे रहेंगे तो बहुत अच्छे से पूरे ऐसे येलो पीले ही रहेंगे। इन्हें हमें इस तरीके से तोड़ के थोड़े से छोटे टुकड़े कर लेना है। हाथ से बहुत मेहनत लगेगी। आप किसी कपड़े की थैली में रख के और किसी कूटने वाले सामान से कूट कर आप इसके थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए, करीब हमें इसके इतने छोटे टुकड़े चाहिए। ये फूलने के बाद और थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके टुकड़े बना लेंगे। हमने इन्हें कुकर में रख के 2-3 सीटी लेकर इसे बफा लिया है। ये काफ़ी नरम हो गए हैं। ये इस तरीके से दबाने से आसानी से दब जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें बफा लेना है। इसका बघार लगाने के लिए चाहिए हमें सारा मसाला बघार का। जीरा और सौंफ को एक साथ मिला के रखा है। हमें चाहिए धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तिल के दाने, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और सेंधा नमक, जो हमारा मर्यादित कुटा हुआ है। इसमें हमें चटपटा मसाला मिलाना है। चटपटी सब्ज़ी बनेगी। हमें थोड़ी सी मिर्च इसमें तीखी अच्छी लगती है। यदि आप कम मिर्च खाते हैं तो थोड़ा सा कम डालें। यदि आप ऑयल नहीं खाते तो बिना ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। जैसे हमने कोफ्ते आदि में सेक कर बनाया है, उस तरीके से हम इसे भी बना सकते हैं। इसके साथ में हम इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। और जो इसके साथ में खाया जाता है ट्रेडिशनली, वो है खिचड़ा, गेहूं का खिचड़ा। देखिए, गेहूं है, गेहूं को हमने जैसे मैदे के लिए प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा पानी लगा के उसे मिक्सी में चला के उसके छिलके निकाल लेते हैं, उसी तरीके से इसमें भी वही वाले आपको गेहूँ यूज़ करना है। छिलके निकले हुए उन्हें अच्छे तेज गर्म पानी में भिगा कर और कुकर में 8-10 सीटी ले लेना, जब तक ये अच्छे नरम ना हो जाए। देखिए, काफ़ी नरम हो चुके हैं। ये हल्का दबाने पर ही दब रहे हैं। तो इस तरीके से ये हम कर लेंगे। साथ में अरहर की दाल हमने बॉईल करके रखी है। हम इन दोनों को एक साथ कुकर में लगाकर और अच्छे से नरम कर लेंगे और साथ में इसकी खिचड़ी बनाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं खिचड़ी के छिलके की सब्ज़ी। देखिए, हमारा तेल हो गया है। हमने इसमें सौंफ और जीरा डाला है। देखिए, हमने इसमें थोड़ी सी खांड शक्कर भी डालेंगे, एक चम्मच, छोटी वाली एक चम्मच, क्योंकि यह सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी मीठी बनेगी, चटपटी और खट्टी मीठी। इसमें सारे थोड़े थोड़े से मसाले तेज रहते हैं। इस सब्ज़ी के लिए सीक्रेट इस सब्ज़ी का यह है कि इसमें यदि आपके प्रॉपर मसाले डलेंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। छिलके भी आपके प्रॉपर बॉईल होने चाहिए। देखिए, तैयार है ये सब्ज़ी। यह गर्मियों में भी जल्दी ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। हमारा खिचड़ा अभी बॉईल हो रहा है। जब वो एक सार हो जाएगा तो उसमें हमें सिर्फ नमक और थोड़ी सी शुगर डालनी है और ऊपर से घी डालकर हम उसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है खिचड़ा और आम के छिलके की सब्ज़ी। यदि आपके पास घर में आम के छिलके इस तरीके से उपलब्ध ना हो तो मार्केट में भी ये मिल जाते हैं। हमारे इधर तो बड़े आसानी से मिलते हैं, तो आप उन्हें भी खरीद सकते हैं या मंगवा सकते हैं। वैसे तो घर में ही जब आपके पास अच्छे वाले आम आते हैं उसी समय आप तेज़ धूप में सुखा लें। धूप तेज़ नहीं होगी तो वो थोड़े से काले हो जाते हैं। आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं या छिलके ख़राब नहीं होते। बस इन्हें थोड़ा सा बारीक कूट के अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप रख दीजिए। जब चाहें आप तब इसको बना सकते हैं। जय जिनेंद्र।